हेलो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में कहा जा रहा है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। हमारे पास थ्री फिगर के नेम दिए हुए हैं। पहला अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, दूसरा अ रेगुलर हेक्सागन और तीसरा अ ट्राइंगल। इस तीनों फिगर में बताना है कि प्रत्येक फिगर में कितने डायगोनल पॉसिबल हैं, यानी कि ये फिगर में कितना डायगोनल बनेगा, इसमें कितना डायगोनल बनेगा और ट्राइंगल में कितना डायगोनल बनेगा। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर ए की बात करते हैं। ए नंबर में हमारे पास है अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो पहले कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के फिगर को बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि कन्वेक्स और कनकेव किसे कहा जाता है। उससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो कहा जाता है कि कोई भी अगर एक फिगर जो फोर लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता हो तो उसे क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। इस क्वाड्रिलेटरल में जोड़ा गया है कि कन्वेक्स, दैट मीन्स कन्वेक्स क्या होता है कि कोई भी एक फिगर जिसका कोई एक पार्ट बाहर की ओर निकला हुआ हो तो वो कन्वेक्स कहलाता है, और अगर किसी एक फिगर का कोई एक पार्ट अंदर की ओर घुसा हुआ हो तो वो कनकेव कहलाता है। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का अगर फिगर बनाएंगे तो हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि एक काइट जो हमारा है, ये हमारा एक प्रकार का कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ये काइट क्या होता है? तो काइट में जो एडजेसेंट जो हमारा साइड होता है वो इक्वल होता है। ये काइट हो गया हमारा। अब बताना है कि इस कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल हैं। ये कन्वेक्स क्यों हो गया? क्योंकि इसका एक पार्ट जो है ना ए तरफ देखिए बाहर की ओर निकला हुआ है, इसीलिए। तो इसमें पहला डायगोनल हमारा हो जाएगा बी से लेकर के डी तक, जिस लाइन को ज्वाइन करेंगे वो हमारा हो जाएगा पहला डायगोनल। इसमें फिर ए से लेकर के सी तक की लाइन को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा डायगोनल। दैट मीन्स हम कहेंगे कि एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं? तो दो होते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू टू हो गया। बी नंबर में हमारे पास में है और रेगुलर हेक्सागन। तो हेक्सागन क्या होता है? हेक्सागन बोलते हैं कि अगर कोई भी हमारा लाइन सेगमेंट, दैट मीन्स कि सिक्स लाइन सेगमेंट से मिलके जो हमारा एक पॉलीगन बनता है उसको हेक्सागन कहा जाता है। और रेगुलर मीन्स क्या हो गया ना कि सिक्स जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो इक्वल्स होने चाहिए। दैट मीन्स हमारा जो हेक्सागन होगा वो सिक्स लाइन सेगमेंट से मिलके बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारा हो गया रेगुलर हेक्सागन। दैट मीन्स कि सब साइड हमारे पास में इक्वल है। अब इसमें देखते हैं कि कितने डायगोनल्स पॉसिबल हैं। तो पहला हम कहेंगे ये पहला डायगोनल्स हो गया हमारा, ये हमारा सेकंड डायगोनल हो गया, ये हमारा इस पॉइंट थर्ड हो गया, ये हमारा फोर हो गया, ये हमारा फाइव हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक सिक्स हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक सेवन हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक एट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक नाइन हो गया। दैट मीन्स कि एक रेगुलर हेक्सागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स नाइन होते हैं। तो हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ डायगोनल्स जो एक रेगुलर हेक्सागन में होगा वो नाइन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट सी नंबर में हमारे पास में है और ट्राइंगल। तो मुझे तो पता है ना स्टूडेंट कि ट्राइंगल किसको कहते हैं। कोई भी एक फिगर जो थ्री लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है उसे ट्राइंगल कहा जाता है। दैट मीन्स कि ये हमारा हो गया ट्राइंगल। अब अगर कहा जाए कि इस ट्राइंगल में नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे तो इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि इसके अपोजिट वर्टेक्स हमें नजर ही नहीं आ रहे हैं कि हम उसको लाइन को ज्वाइन करें। अगर हम इस वर्टेक्स की बात करें और फिर ये वर्टेक्स बात करें तो ऑलरेडी दोनों ज्वाइन किया हुआ है। दैट मीन्स कि ट्राइंगल में डायगोनल नहीं बन सकते हैं। तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा जीरो, यानी ट्राइंगल में एक भी डायगोनल नहीं बनेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर टू भी हमारा कंप्लीट हो गया।